यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे गायत्री मंत्र ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता। प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, हमारे फैकल्टी के सभी सदस्य, सभी टीचिंग नॉन टीचिंग मेंबर्स और अन्य जो यहाँ आके बैठे हुए हैं, वो सभी आज जो श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग के बारे में हम चर्चा करेंगे। भगवद गीता में योग की विधि व योग का विज्ञान अनेक प्रकार से बताया गया है, परंतु जब अध्याय समाप्त होता है तो एक बढ़िया सी बात कहते हैं भगवान कृष्ण, ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे। ये एक लाइन हर एक में एक जैसी है, 18 अध्याय तक पूरी पूरी एक जैसी चली। भगवद्गीता यानी भगवान ने जिसे गाया, भगवद्गीता का मतलब होता है भगवान ने जिसे गाया, गीता यानी गायन करना। तो भगवद्गीता शब्द जो है इसकी व्याख्या करें, भगवान ने जिसे गाया, ये भगवान ने गाया और इस गीत को व्यास जी ने उसको क्रमबद्ध किया। यह सुपनिषद है, यह सुंदर उपनिषद है, सुपनिषद श्रीमद्भगवद्गीता सु उपनिषद सु, तो सुंदर उपनिषद। उपनिषद शब्द उपविश्य से बना है, उपविश्य आपने शब्द सुने होंगे, उपवास आपने शब्द सुने होंगे, उपविश्य बैठो, बैठो पास, बैठो पास में आके बैठो और बैठ के हमसे चर्चा करो, उपविश्य। ये शब्द जो है आरएसएस में बड़ा फ्रिक्वेंटली प्रयुक्त होता है, उपविश्य। और पास बैठकर गुरु के चरणों के पास शिष्यों का बैठना, इससे उपनिषद विद्या का आविष्कार हुआ। उपनिषद विद्या, सारे के सारे जितने भी हमारे भारतीय संस्कृति के ग्रंथ हैं उनमें उपनिषद सबसे बेस्ट, सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि इनमें वो संवाद है जो गुरु और शिष्य के बीच में आपस में हुआ। तुम तो इतने सारे लोग हो यहाँ बैठे हो और चार पांच छह शिष्य बैठते थे आसपास और गुरु से क्वेश्चन पूछते जाते थे, गुरु उनका जवाब देते थे और गुरु उनका जवाब देते थे, वही चीज़ें इन लोगों ने याद कर ली और याद करके अपनी आने वाली पीढ़ी को बताई, उसने अगली आने वाली पीढ़ी को बताई, फिर बाद में फिर जब किताब बनी इनकी तो फिर वो उपनिषद लेखन के रूप में हमारे सामने आई। तो उपनिषद विद्या का आविष्कार हुआ। भगवान श्री कृष्ण क्या है, जगत गुरु हैं, भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु और अर्जुन शिष्य हैं। जब तुम जगत गुरु की बात सुनते हो तो मेरे उस जवाब को भी सुनना जो मैंने कहा तुमसे कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो कृष्ण के रूप में व्यक्ति नहीं है, भगवान शक्ति हैं। भगवान चाहे गायत्री हों, चाहे शिव हों, चाहे ये सब शक्ति हैं,
और शक्ति के रूप हैं। तो जब शक्ति के रूप हैं, जगत गुरु हैं, तो और किसी ने नहीं कही गीता, श्री कृष्ण ने कही। कुछ न कुछ आपस में डिवीजन ऑफ वर्क हुआ होगा उनमें, श्री कृष्ण में, विष्णु में और शिव जी में, सब में। तो हर एक के डिवीजन ऑफ वर्क में भगवान श्री कृष्ण के नाम पास आया ये वाला काम कि आपको गीता सुनानी है। तो हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास गीता जैसा ग्रंथ है। गीता एक ऐसा बहुमूल्य ग्रंथ है जिसमें कि सारी की सारी सृष्टि के लिए संदेश, पूरी सृष्टि के लिए, इकोलॉजी के लिए भी, इकोलॉजिस्ट के लिए भी, फ्यूचरोलॉजिस्ट के लिए भी, और हमारे जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनके लिए भी, और हर व्यक्ति के लिए जो इस धरती पर रह रहा है उनके लिए भी संदेश है कि हमको जीवन कैसे जीना चाहिए। और अगर किसी ने गीता को सही समझ लिया तो मैं समझता हूँ उसके जीवन सार्थक हो गया, धन्य हो गया। पुण्य उण्य तो की बात नहीं कह रहा मैं कि पढ़ने से पुण्य मिलता है, नहीं मिलता है, मिलता कोई बात नहीं, पर तुमको जीवन जीना आ जाएगा। जीवन जीने की कला सिखाने का एक उपनिषद है ये गीता, श्रीमद्भगवद्गीता। बाद में अर्जुन और उनके बीच में संवाद हुआ, उपनिषद है ब्रह्म विद्यायाम, ये ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या की चर्चा हो रही है। भगवान कहते हैं सभी विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या के रूप में मौजूद हूँ, अध्यात्म विद्या विद्यानाम, और अध्यात्म विद्या ब्रह्म तत्व ही है। ये योग शास्त्र भी है, ये पतंजलि की तरह से तो नहीं है योग शास्त्र, इसमें किसी तरह की कोई प्रोसीजर नहीं लिखी है, पर ये योग शास्त्र जो है एक विलक्षण योग शास्त्र है। कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग, योग के भिन्न भिन्न प्रकार भगवान कृष्ण ने इसमें कहे हैं, पूरे 1 से लेकर 18 तक पढ़ जाओ। इसके अनेक भाष्य हुए हैं, आचार्य शंकर ने ज्ञान की बात कही है, इसके अनुसार गीता के अनुसार ज्ञान मार्ग का उपदेश देती है, और श्रीमद् रामानुजाचार्य ने अपने भाष्य में कहा है गीता तो भक्ति मार्ग की किताब है। और स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में लोकमान्य तिलक महाराज ने भगवद गीता की कर्मयोग शास्त्र के रूप में व्याख्या की, जब उस समय कर्मयोगी होना जरूरी था, देश को आलस्य में डूबा हुआ था और गुलामी में पड़ा हुआ था, उस समय कर्मयोग का एक रहस्य गीता रहस्य नाम से उन्होंने ग्रंथ लिखा, वो भी जेल में बैठ के। शुरू में कोयले से लिखा, बाद में फिर उनको पेंसिल मिल गई, बाद में फिर उन्होंने उसको किताब के रूप में दिया। लोगों ने सोचा, अंग्रेजों ने, कि मालूम नहीं क्या लिख रहा है ये, क्या लिख रहा है। जब पता चला, उन्होंने पता लगवाया तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, सब संस्कृत की कोई चीज़ें हैं, ठीक, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं। तो वो किताब जो है जेल से निकली है ये, अब तुमको समझ में आ जाएगा कितना महत्व है गीता रहस्य का। कर्मयोग पर जो भाष्य लिखा है वो बड़ी सुंदर सुंदर सी पुस्तक है। एक बहुत सुंदर घटना उनके जीवन की है, तिलक महाराज स्वाधीनता आंदोलन के दिनों में राष्ट्र के लिए संघर्ष कर रहे थे, ये अंदाज से वो 1895-1920 के बीच की समय वेला है, 1895 से लेके 1920 के बीच के। उन दिनों महाराष्ट्र में एक बड़े महान संत होते थे, हमारे बीच में मराठी लड़कियाँ बैठी हैं और लड़के बैठे हैं, शायद जानते हों गजानन महाराज, महाराष्ट्र में जिनका नाम है वो। गजानन महाराज जिन पर प्रसन्न होते थे उसे आशीर्वाद में एक रोटी देते थे, जिस पर प्रसन्न हो जाते थे बहुत, उनको आशीर्वाद में एक रोटी देते थे। लोकमान्य तिलक को उन्होंने एक रोटी भेजी और कहलवाया कि तिलक महाराज से कहो कि अंग्रेज़ों का इतना मुखर विरोध न करें, इस बार एक बार जेल चले गए तो उनका स्वास्थ्य बहुत ख़राब होगा, और उनका स्वास्थ्य इस योग्य नहीं है कि संभल सकें, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तिलक महाराज ने उत्तर भेजा, गजानन महाराज आपको प्रणाम, मेरे बारे में आप इतना सोचते हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, हमारे ऊपर आपकी इतनी करुणा है, मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन मैं यदि राष्ट्र सेवा न करूँ, राष्ट्र के लिए संघर्ष न करूँ तो मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, मेरा उस जीवन का कोई प्रयोजन न होगा जिसमें मैं राष्ट्र के लिए जीने के लिए आया हूँ, मेरा जीना भार हो जाएगा। हे गजानन महाराज, आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं राष्ट्र के लिए आंदोलन करूँगा, संघर्ष करूँगा, मृत्यु तो सभी की आनी है, हमारी भी आएगी, जेल जाना कोई नई बात तो है नहीं। गजानन महाराज ने उनका उत्तर सुना तो बोले हमें तिलक से यही अपेक्षा थी, तिलक का जवाब यही आना था। इस बार तिलक महाराज जेल गए, बर्मा में मांडले जेल में उनको रखा गया, वहीं पर उन्होंने श्रीमद्भगवद्गीता का कर्मयोग भाष्य लिखा। ये जो कर्मयोग भाष्य है बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है, तुम कहीं मौका लगे तो उनका ये भाष्य पढ़ने कोशिश करना, या मुझे कहीं मौका मिला तो मैं एक क्लास पूरी 9 दिन की कर्मयोग भाष्य पे कर दूंगा उनकी, किस तरह से उन्होंने उसको टीका लिखी है।
बहुत सारी टीकाएं बहुत सारे लोगों ने लिखी हैं, जैसे ज्ञानेश्वरी टीका, महाराष्ट्र में महान संत हुए हैं ज्ञानदेव, उन्होंने ज्ञानेश्वरी टीका में योग शास्त्र, हठ योग, राजयोग, सारा चीज, गोरखनाथ संप्रदाय के थे वो, उनके बड़े भाई थे निवृत्तिनाथ, वो गोरखनाथ संप्रदाय के थे। श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग को प्रधानता देकर कर्मयोग की दृष्टि से तिलक महाराज ने लिखा है, और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने पहली बार कर्मयोग की इतनी सुंदर, इतनी विशिष्ट, इतनी विशद, इतनी व्यापक, इतनी सूक्ष्म व्याख्या की है जो शायद कहीं नहीं मिलेगी हमको। कर्मयोग क्या होता है, कर्मयोग को समझना हो तो गीता को पढ़ जाओ, रट लो पूरी तरह से, और उसको अच्छी तरह से हृदयंगम कर लो, तो समझ में आ जाएगा कर्मयोग क्या होता है। कर्म बांधता है, अविराम श्रृंखला है कर्म की, कर्म हमको बांधता है, कर्म हमें बंधनों में फंसाता है। इसका मतलब कर्म नहीं करें, नहीं, तिष्ठति कर्मकृत अकर्मकृत, बिना कर्म किए मैं भी नहीं रह सकता, भगवान कृष्ण कहते हैं। कर्म तो मुझे भी करना पड़ते हैं, जो काम हम करते हैं उसका परिणाम भोगने के लिए हमें विवश होना पड़ता है। काल हमारे सामने परिणाम को रखता है, परिणाम शुभ हो या परिणाम अशुभ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें भोगना पड़ेगा। एक कर्म और उसका परिणाम, फिर एक कर्म और उसका परिणाम, फिर एक कर्म और उसका परिणाम, श्रृंखला जारी रहती है, अविरल श्रृंखला। अगर आपने कर्म किया है तो उसका परिणाम मिलेगा, परंतु अगर आपने दिव्य कर्म किया है तो, दिव्य कर्म उसको कहते हैं जिसके फल नहीं मिलते हमको, दिव्य कर्म डिवाइन एक्शंस जिनको बोलते हैं, दिव्य कर्म यानी जिसमें आपने अपेक्षा नहीं रखी कोई, आपकी कोई अपेक्षा नहीं थी, मिले फल नहीं मिले हमें कोई मतलब नहीं है। तो जन्म जन्मांतर तक ये श्रृंखला चलती रहती है, हमारे जीवन में ऐसा कोई क्षण नहीं जातु तिष्ठति अकर्मकृत, बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जब हम कर्म करेंगे जरूर, शुभ करें अशुभ करें, लेकिन कर्म होगा तो कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। पहली बार भगवान श्री कृष्ण इसका उपाय बताते हैं, ये बताते हैं कर्मयोग में, स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, थोड़ा सा धर्म का आचरण यानी कर्मयोग का आचरण हमें जीवन मरण के महान भय से निकाल सकता है। ये जो है दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है, स्वल्प अपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, थोड़ा सा भी धर्म का आचरण यानी कर्मयोग का आचरण हमें जीवन मरण के महान भय से त्राण देता है। थोड़ा सा भी कर्मयोग करोगे, कर्मयोग क्या है, आपने सफाई कर दी नदी की, आपने सफाई कर दी मंदिर की, आपने सफाई कर ली अपने घर की, आपने सफाई कर ली अपने स्टडी रूम की, ये कर्म है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर कर्म करते रहना चाहिए, कर्म किए बिना नहीं रह सकते आप। भगवान श्री कृष्ण इसका विशद उपदेश देते हैं, शरीर है तो कर्म होंगे ही, लेकिन कर्म को इस विधि से किया जाए, इस ढंग से किया जाए कि कर्म करते हुए भी हम बंधन में न बंधें। जब हम कर्म में बंधन में बनते हैं तो कैसे बनते हैं, मैं बताता हूँ अभी। भगवद्गीता में कर्मयोग की बात की गई है, उसमें एक बात की गई, अनासक्ति कर्मयोग, अनासक्ति कर्मयोग, बिना आसक्ति के कर्मयोग, फंसो मत उसमें, कभी कर्म के चक्कर में फंसो मत। कर तो दिया हमने, पर हमने ये अपेक्षा रखी, मत अपेक्षा मत रखो, और किसी तरह का अभिमान मत रखो, किसी तरह का अटैचमेंट मत रखो उससे। ईशावास्य उपनिषद में एक बहुत सुंदर सा श्लोक है, ये ईशादि नो उपनिषद करके किताब मिलती है, ये वाली गीता प्रेस की, इस किताब में पहला वाला उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, इसमें जो श्लोक है वो है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृध कस्यस्वित धनम। छोटा सा श्लोक है, पहला श्लोक, पर इस श्लोक में सारे के सारे जितने भी इसमें श्लोक दिए, इसमें 12 उपनिषद दिए गए, उन सब का मर्म छिपा पड़ा है। भगवान कहते हैं अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी चेतन स्वरूप जगत है, समस्त ईश्वर से व्याप्त, पूरा ईश्वर यहाँ भी है, ईश्वर यहाँ भी, ईशावास्य में दम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, इस ऑडिटोरियम के कण कण में, कोने कोने में, तुम सबके हृदय में भगवान व्याप्त, और उस ईश्वर को साथ रखते हुए त्यागपूर्वक, त्यक्तेन त्यागपूर्वक, भुंजिता भोगते रहो, भोगो तो सही पर त्याग के साथ। बहुत ही विलक्षण बात कही, एक छोटे से उपनिषद के श्लोक में सारी बात आ गई, भोगो पर त्याग के साथ, मतलब त्याग की भावना मन में रखते हुए भोगो, भोग इसलिए नहीं कि भोगना है, भोग के लिए मन में किसी प्रकार की इच्छा मत रखो, और भोगते रहो
और आसक्त मत हो माँ गृद गिद्ध की तरह से। गिद्ध जो है वो एक व्यक्ति को या पशु को जिसको भी देखता है उसी के ऊपर उसी को से चिपटा रहता है और जब तक उसको पूरी तरह खा नहीं लेता तब तक उससे आसक्त नहीं करता है। तो गिद्ध जो है उसके जैसी आसक्ति मत रखो, क्योंकि धनम धन यानी भोग्य पदार्थ कस्य स्वित किसका है, किसी का नहीं। भगवान कहते हैं इस श्लोक में किसी का नहीं है, पैसा किसी का नहीं है, किसी के साथ नहीं जाने वाला, किसी के साथ आज तक नहीं गया आगे भी नहीं जाएगा। तो ये पूरा मर्म है, ये एक श्लोक अकेला अपने आप में पूरा एक मार्मिक संदेश देता है जिसको हम याद रख सकते हैं। मैं फिर से बताता हूँ इसके बारे में। इस जगत में रहो, जीवन का सुख दुख का उपभोग करो, क्योंकि ईश्वर निकड़ा है। तेन तिक्तेन त्यागपूर्वक इस ईश्वर को साथ रखते हुए अनासक्ति पूर्वक माँ गृध गृद्ध पक्षी होता है, लालची होता है, आसक्त हो जाता है, मुर्दे के मांस के प्रति भी आसक्त हो जाता है, सड़े मुर्दे के प्रति भी आसक्त हो जाता है। ऐसे आसक्ति मत रखो। पैसे हैं और आसक्ति हो गई आपको, कितने 500 करोड़ हैं, 500 करोड़ हैं बस, कब तक रहोगे उसमें फंसे रहोगे, कब तक फंसे रहोगे। करोड़ों लोग रुपए लोगों के लुट गए, पूरे के पूरे खत्म हो गए, ले गए बैंक से निकाल के ले गए, इंग्लैंड चले गए, अमेरिका चले गए, पर सब सबके सब वापस आना पड़ा, सबको भुगतना पड़ा उसका फल। तो वो आसक्ति, वो लालच, वो गिद्धपन, वो गिद्ध दृष्टि, वो तुम्हारे भीतर ना आए। माँ गृध एक ही वर्ड में सब, पूरी संस्कृत की खूबसूरती क्या है, संस्कृत में एक शब्द में सब आ जाता है। माँ गृध, माँ यानी नहीं, गृध यानी गिद्ध, गिद्ध की तरह मत बनो, गिद्ध की तरह लालची दृष्टि मत रखो। कस्यस्य धनम, जीवन चला जाएगा, ये किसी का नहीं है। कर्मयोग की जो मूल बातें हैं, जो मूल तत्व हैं, वो क्या हैं कि ऐसा क्या है जो कहें कि एक आचरण हमारा कर्मयोग का है। भगवान श्री कृष्ण ने 7 आयाम दिए हैं कर्मयोग के, पहला आयाम मैं ले रहा हूँ, 7 आयाम दिए कर्मयोग की दृष्टि है। कर्मयोग का पहला आयाम है, पहली दृष्टि है कि आसक्ति रहित कर्म करो, आसक्ति न रहे, आसक्ति का त्याग, आसक्ति का त्याग करो। असंगोस्तु अकर्मणि, असंग भाव से यानी असंग होकर कर्म करो, कर्म में आसक्ति न रहे। पढ़ते हो तो बार बार ये अपने मन में सोचते हो कि हम पढ़ रहे हैं तो क्या आप हमको वो कर रहे हो, क्या एहसान कर रहे हो हम पे कोई? अगर आप पढ़ रहे हो तो हम पे एहसान तो नहीं करें ना, पढ़ रहे हो तो आप अपने लिए पढ़ रहे हो, आप उस ज्ञान को अपने लिए पढ़ रहे हो, आप परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ रहे हो। पढ़ो पर आसक्ति मत रखो। क्या करते हैं कई बार कहते हैं कि हम जो इंटेंसिटी ऑफ एक्शन हमारा बहुत बढ़ जाता है जब हम पढ़ते हैं तब, परंतु फिर भी हमको रिजल्ट नहीं आता। वैसा रिजल्ट के प्रति आसक्ति नहीं रखना, फल के प्रति आसक्ति नहीं रखना, आसक्ति रखी तो कर्म बांधेगा। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि कटहल जो है जब काटते हैं तो सरसों का तेल लगा लेते हैं हाथ में, सरसों का तेल, ताकि हमारे हाथ में चिपके नहीं, वो सरसों का जो तेल है वो बचा लेता है हमको, क्योंकि दूध जो होता है कटहल का हाथ में चिपक जाता है। अनासक्ति भी उस तेल की तरह है। महात्मा गांधी ने भगवद्गीता की जो व्याख्या की है उसमें भगवद्गीता का नाम दिया है अनासक्ति योग, भगवद्गीता का ही नाम कर दिया, बदल दिया उन्होंने अनासक्ति योग। भगवत श्री महात्मा गांधी भगवत श्रीमद भगवद्गीता के परम अनुयायी थे, बहुत बड़े फॉलोअर। उन्होंने अपने जीवन में गीता को वर्ड बाय वर्ड फॉलो किया, वर्ड बाय वर्ड, और भगवद्गीता के कई बार उनसे इंग्लैंड में आए लोग, उनसे उन्होंने कहा कि हम आपसे गीता सीखना चाहते हैं, इंग्लैंड में पढ़ रहे थे तो उनको इतनी शर्म आई उस दिन, उन्होंने कहा आप मेरे से 1-2 महीने बाद मिलना। 2 महीने में उन्होंने गीता पूरी याद की। क्या करते थे, श्लोक वगैरह जो है काट काट के, उसका उस ज़माने में जीरोक्स तो मशीन तो नहीं थी, पर श्लोक 1-2 गीता की किताब ले आए, काट काट के चिपकाते थे बाथरूम में, ब्रश करते समय, शेव करते समय, और उसको पढ़ते रहते थे, याद करते थे, याद करते रहते थे, उसका अर्थ भी याद करते रहते थे, मर्म याद करते रहते थे, बाकी काम करता रहता था, चलता रहता था उनका। उन्होंने गांधी जी का जीवन इतना व्यस्त था, इसके बावजूद भी उन्होंने पढ़ाई करते करते गीता पूरी सीख ली। गांधी जी ने अपने एक एक श्लोक को जो याद किया उसको जीवन में अपनाया। श्लोक का मनन चिंतन दिन भर सुबह से शाम तक, कुछ श्लोक का निष्कर्ष निकला, चिंतन का निष्कर्ष निकला, उसे उन्होंने गीताई करके किताब लिखी। गीताई गुजराती में गीता माँ, महाराष्ट्र में आई, आई को माँ बोलते हैं, आई को माँ बोलते हैं ना, गीता आई,
गीता ही, और उन्होंने वो किताब हिंदी में फिर ट्रांसलेट हुई, इसके बाद उन्होंने अनासक्ति योग के रूप में निकाला। तो ये जो किताब जो उन्होंने लिखी जिस आश्रम में, आश्रम अनासक्ति आश्रम कौसानी में है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड अल्मोड़ा से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो कौसानी, मैं वहाँ उस आश्रम में मुझे सौभाग्य मिला कि गांधी जी की कुटिया किसी को दी नहीं जाती थी, पर मैं उनको शायद एक उपयुक्त पात्र लगा, उन्होंने मुझे 4 दिन के लिए दी। 4 दिन तक मैं उस कुटिया में रहा और मैंने जब भी किया मुझे वास्तव में बहुत विलक्षण अनुभूतियाँ हुई वहाँ पर। वहाँ पर उन्होंने एक पास में प्रार्थना कक्ष बनाया था, तो गांधी जी वहाँ करीब करीब 1929 से लेकर 30 तक एक डेढ़ दो महीना रहे उस आश्रम में, है ना। उसका नाम ही फिर अनासक्ति आश्रम हो गया, अनासक्ति आश्रम। यहाँ से करीब करीब होगा 350-350 किलोमीटर करीब होगा। और सुमित्रानंदन पंत नाम के कवि थे, वो भी वहीं जन्मे थे, उनका जन्म स्थल है। तो ये जो हमारे जीवन में अनासक्ति आनी चाहिए, ऐसी आनी चाहिए जैसे गांधी जी के जीवन में थी, उन्होंने अपने जीवन को आसक्ति रहित बनाया पूरा। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में ये कहा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहिते उपजई बहुविधि शूला। मोह यानी आसक्ति, मोह यानी आसक्ति, मेरा बेटा, मेरे बच्चे, मेरी ग्रैंड डॉटर, मेरे नाना जी, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरी पत्नी, मेरी सेकंड पत्नी, मेरी प्रेमिका, मेरे दोस्त, ये सब याद आते, बहुत सारी चीज़ें याद आती, बहुत सारी चीज़ें, और उनकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत सारे शूल, बहुत सारे कांटे उभर के आ जाते हैं और जीवन में कष्ट मिलते रहते हैं। आसक्ति कहीं पर भी हो, बंधन कहीं पर भी हो, पर शुभ आचरण करते समय आप ध्यान रखें कि आसक्ति ना आने पाए कभी। एक उल्लेख आता है भीष्म पितामह का, भीष्म बनते चले गए, निरंतर बनते चले गए, जबकि भीष्म बड़े महात्मा, महात्मा भीष्म कहा जाता है उनको, प्रतिज्ञाओं से बनते चले गए, वचनों के डोर से कहीं सूक्ष्म में अपने वंश को, अपने परिवार को, सबको उन्होंने बांध लिया और आसक्ति से बनते चले गए। अल्टीमेटली क्या हुआ कि न विवाह किया, राज्य का सुख भोगा उन्होंने, राजा भी नहीं बने, सर्वप्रथम अधिकार उन्हीं का था, लेकिन उनका वंश की रक्षा करना और अपने नाती पोतों को राज्य देना उनके मन में था, तो देते 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 वो एक प्रकार से आसक्तिपूर्ण जीवन जिया उन्होंने। बाणों की शैया में बाणों की सेज में सो गए और उसी में उन्होंने शरीर छोड़ा अपना। आसक्ति हमें जीवन में अनेक संकटों में डालती है। हम जितना गहरे में आसक्त होते हैं उतना गहरे में बनते हैं कर्म बंधनों से। आसक्ति न हो तो बंधन हमें बांधते नहीं, कर्म के परिणाम हमें प्रताड़ित नहीं करते, हमें पीड़ा नहीं देते, कर्म के परिणाम हमें प्रताड़ित नहीं करते। कर्मयोग का पहला आयाम आसक्ति रहित जीवन। दूसरा आयाम, सेकंड, श्रीमद् भगवद गीता में जिस कर्मयोग की बात कही गई है उसके स्वरूप को समझाते हुए भगवान कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तेस्तु, राग द्वेष से मुक्त होते हुए, अर्थात राग द्वेष से थोड़ा अलग रहो। राग यानी हम किसी के प्रति अच्छा भाव रखते हैं, किसी के प्रति अच्छा सोचते हैं, उसे अपनाना चाहते हैं, उसे अपना बनाने की बात, किसी से अपनत्व जोड़ने की बात राग है, किसी से भी अपनत्व जोड़ने की बात राग है, अटैचमेंट, टू मच अटैचमेंट, टू मच क्लोज, हम उसके नज़दीक आना चाहते हैं। और राग हमें बांधता है व्यक्ति से, घटनाक्रम से, परिस्थिति से, और द्वेष यानी हम उससे दूर जाना चाहते हैं, द्वेष यानी दूर जाना, विरक्ति, उसके प्रति बैर पाल लेते हैं मन में, मैं अब उससे बात ही नहीं करूँगा, मैं कभी भी इस जीवन में नहीं बात करूँगा, मैं कभी भी उसका मुँह भी नहीं देखूँगा, मैं कभी भी उसका मुँह नहीं देखूँगी, इस तरह से जो मन में बात आ जाती है यह है द्वेष। भगवान कहते हैं दोनों ही बांधते हैं, यदि आप राग से बनते हैं तो भी अनेक जन्मों तक परेशान होते रहेंगे, और अगर आप द्वेष से बनते हैं तो भी आपको परेशान होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि राग अच्छा है द्वेष बुरा है, या द्वेष अच्छा है राग बुरा है। अगर हमने किसी से बैर पाल लिया तो उस बैर को निभाने के लिए हमें जन्म जन्मांतरों तक घूमना पड़ेगा, जन्म जन्मांतरों तक यात्रा करनी पड़ेगी। क्यों पालते हो, मत पालो, सबके लिए निर्मल मन रखो अपना, बस। किसी के प्रति बैर बांध लिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, द्वेष का बंधन, राग का बंधन नहीं जाएगा, शरीर छूट जाएगा पर ये बंधन नहीं जाएगा, राग और द्वेष बांधता है। राग द्वेष से मुक्त होकर कर्म करो, राग द्वेष को क्षीण करके जो कर्म किया जाएगा वो कर्मयोग बहुत विलक्षण है, बढ़िया। तो राग द्वेष वियुक्तेस्तु, वियुक्ते ही तु, बीच में आधा सा लगा है।
तीसरा आयाम है कर्मयोग का, तीसरा आयाम कर्तापन का त्याग, कर्तापन का त्याग। मैंने किया सर। वैसे भी यूनिवर्सिटी बड़ी सुंदर बनी है। किसने बनाई? मैंने बनाई। मैं आर्किटेक्ट हूँ यहाँ का, मैं इंजीनियर हूँ यहाँ का, मैं यहाँ का डीन हूँ, मैं यहाँ का सब कुछ हूँ। और सब मैंने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे डॉक्टर साहब पैसे भी देते चले गए और देखिए मैंने बना दी पूरी पूरी। एक हमारे पास आर्किटेक्ट आते हैं, शायद शरद वैसे जानते होंगे उनको, वो त्रिपाठी जी, हरीश त्रिपाठी, वो सबको बोलते हैं मैंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय खड़ा किया है। अरे देव संस्कृति विश्वविद्यालय भवनों से, भवन से नहीं खड़ा होता, मिट्टी ईंट मिट्टी से पत्थर से नहीं खड़ा होता, ये उन जीवंत जागृत मनुष्यों से खड़ा होता है जो इसमें काम कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, वो उनसे बनता है। जब आप बात करेंगे और अपने बंधन में फंसा लेंगे ना कि मैंने बनाया, इतना बड़ा गायत्री परिवार देखिए। मुझसे आगे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब गुरुदेव ने तो बनाया, शुरू कर दिया, चला दिया, आपने तो उसको मेंटेन किया, आप उसको इतना आगे बढ़ा रहे हैं, इतना आगे बढ़ा रहे। तो क्या मैं वो करूँ, गर्व महसूस करूँ? मुझे बड़ा गुस्सा आता है अपने आप पर ही कि मैं ऐसा क्यों बना कि मेरे ऊपर ही ये सब लेबल कर देते हैं आरोप। कोई नहीं, हम सब ने मिलकर बनाया, हम सब, ये शब्द बहुत सुंदर है, हम सब ने मिलकर बनाया। तुम्हारे अभाव में, इन सब के अभाव में, कार्यकर्ताओं के अभाव में मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए कर्मियों का तीसरा आयाम है कर्तापन का त्याग। क्रिया का परिणाम नहीं होता, कर्म का परिणाम होता है। क्रिया तो कोई भी करेगा तो करेगा ही। जब यहाँ पर मैं आपका खड़ा होता है, तब जब मैं उपस्थित होता है, अहम उपस्थित होता है, तो अहम कहता है मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूँगा। ये अभी जो पूरे न्यूज़पेपर्स में जो चर्चाएँ आ रही हैं और जो सोशल मीडिया पे जो आ रहा है, जितनी भी चुनाव के दौरान जितने भी आपस में एक दूसरे पर गंदे आरोप, इधर से तीर चला तो इधर से तीर चलता है। भीष्म पितामह के ज़माने में, जो महाभारत के ज़माने में जैसे तीर चलते थे ना, ऐसे तीर चल रहे हैं। ये मैंने खड़ा किए, कांग्रेस मैंने खड़ी की है, तो बोले कांग्रेस के खिलाफ हमने खड़ा किया, मैंने किया। सब एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। ये जो मैं है, ये सबसे ज़्यादा घातक है। मैं को यदि हम में बदल लें तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, पूरा। मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करें। गुरुदेव ने लिखा है अपने इस पत्रक में, इस पत्रक को आपको रोज़ पढ़ना चाहिए, यहाँ से जाने के बाद जब जाओ तब, या जब यहाँ रहो तब भी, अपने अंगवयवों से। ये गुरुदेव ने लिखा, मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करें। मैं इसको हमेशा रखता हूँ, कई बार काम आ जाता है लगे हाथों बताते समय। इसलिए जो सबसे बड़ी बात है कि हम ये सोचते हैं कि कर्तापन है कर्मयोग में, इसका त्याग करना है, तो कर्म का परिणाम जरूर होगा। कर्म हम कर रहे हैं और हम कर्ता नहीं हैं। अगर हम ये सोचें कि हम कर्ता नहीं हैं, हम तो निमित्त बने हैं कर्म के। प्रकृति ने हमें निमित्त बनाया है, हमारे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ने हमें निमित्त बनाया है, बस। अगर आपने इतना सोच लिया तो फिर क्या होगा कि आपका मैं जो है वो गायब हो जाएगा। जीवात्मा, अंतरात्मा, आत्मा कभी लिप्त नहीं होती, कभी भी किसी भी चीज़ में। कर्मों का सारा खेल तो प्रकृति के तीन गुणों के ऊपर है, सत रजतम। चौथी चीज़ है चित्त की लहरें, इसमें उठने वाली लहरें, स्विंग्स, चित्त में जो बार बार स्विंग्स आते हैं ना, वो इन्हीं के संयोग से कर्म घटित होते हैं। प्रकृति के तीन गुणों के अनुरूप कहीं सत्य की सघनता है तो कहीं रज की तो कहीं तम की। चित्त में भी हमारे तीनों गुण उपस्थित रहते हैं। चित्त में भाव जगता है, चित्त में लहर उठती है, चित्त में इच्छा शक्ति जगती है। हमारा चित्त जो है सबसे विलक्षण ब्लैक बॉक्स है, हमारे अंदर बैठा हुआ। इस चित्त के माध्यम से आपको पुनर्जन्म मिलता है। अगला जन्म मिलेगा वो इस ब्लैक बॉक्स की वजह से मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या छिपा पड़ा है ये केवल भगवान जानता है, या चित्रगुप्त, चित्त से चित्रगुप्त बना है, चित्रगुप्त, चित्र और चित्रगुप्त की रीडिंग ये इस पर पूरी पूरी कंप्यूटर पर डाल देता है सबका चित्त, और उसके बाद पढ़ता रहता है क्या है इसके अंदर, हमारा चित्त में हमारे क्या भरा पड़ा है। तीनों गुण उपस्थित हैं और तीनों गुण और उनकी वृत्तियों के संयोग से हमारा चित्त जो कहता है वैसी लहर चलने लगती है। चित्त में इच्छा जगती है, अभिरुचि जगती है, कल्पना जगती है, कर्म के लिए हम प्रेरित होते हैं। भगवान कहते हैं गुणा गुणेशु वर्तन्ते, गुण गुणों में बरतते हैं। सतोगुण सतोगुण में बरतेगा और तमोगुण तमोगुण में बरतेगा। तो हम कोशिश करें कि हम तमो से रज में चलें और रज से सतो में चलें, सतोगुण में चलें। और बार बार ये सोचें
कि आप बुद्धि अहंकार नहीं है, आप चित्त मन है ना, और या फिर आप ईश्वर के परमांश आत्मा हैं। अनुभव करेंगे कि कर्म आपके द्वारा नहीं हो रहे हैं, कर्म घटित हो रहे हैं प्रकृति से। लोग कोई भी कर्म जीवात्मा के, कोई भी कर्म अंतरात्मा को स्पर्श नहीं करता, न कर्म न उसका परिणाम। सारी सीमा रेखा प्रकृति में है, प्रकृति में सारी चीज़ें दे रखी हैं, प्रकृति में ही कर्म घटित होता है। आप जो कर्म करते हो ना, ये आपके जीवन में नहीं घटित होता, प्रकृति में घटित होता है, पर वो आपके खाते में चला जाता है, आपके अकाउंट में चला जाता है। प्रकृति में ही कर्म घटित होता है, कर्मों के परिणाम केवल चित्त में संकलित संचित होते रहते हैं। इसलिए कर्तापन का त्याग कर्मयोग में जरूरी है, कर्तापन का त्याग। आप जानते नहीं है, मैं ही देश चला रहा हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ। आप में से कोई अगर कहे डॉक्टर साहब आपने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी, तो मैं एक स्वर से मना कर दूंगा, नहीं मुझे कर्तापन नहीं चाहिए। हम सब ने मिलकर खड़ी की है और हम सब मिलकर के इसको चलाएंगे और आखिर से चलाएंगे। ये हम रहें ना रहें, पर ये वृत्ति रहेगी मैं के स्थान पर हम सब मिलकर के चलाएंगे इसको। इस भ्रांति का त्याग कर लें, कर्तापन का त्याग का, तो कर्म के परिणाम तुम्हें नहीं बांधेंगे। कर्तापन का परिणाम, कर्तापन का त्याग वास्तव में हमको असली कर्मयोगी बनाता है, कर्तापन का त्याग। हमने बहुत अच्छी लैब बनाई है, कहाँ बनाई है, अपनी कंप्यूटर लैब बहुत बढ़िया बनाई। देखिए साहब, वहाँ जो काम करते हैं सर जो हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है प्रोफेसर, उन्होंने बहुत बढ़िया बना दिया, बहुत सिस्टम बढ़िया बना। अगर आप देखें तो थोड़ा और आगे जाइए एनिमेशन के लिए में, वहाँ भी वहाँ के जो प्रोफेसर हैं बहुत बढ़िया, बहुत लोग। आप किसी की भी तारीफ कर लो, पर ये मान करके चलो कि अगर सम्मिलित प्रयास ना होता तो इतनी बढ़िया लैब नहीं बनती, इतना बढ़िया काम ना खड़ा हुआ होता। तो हमेशा ही मान करके चलो कि कर्तापन का त्याग जहाँ होगा वहाँ प्रगति ही प्रगति होगी। जहाँ कर्तापन का त्याग आएगा वहाँ मैं आ जाएगा, मैं यानी बकरा, मैं और हम यानी हम सब मिल करके। इसलिए हम बोलना है हमको। कर्मियों का चौथा आयाम समत्वम योग उच्चते, चौथा डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन। कर्मयोग में जब आपके दिमाग में यह आ जाता है कि समत्वम योग उच्चते, समता का उल्टा शब्द है विषमता, वो समता के फेवर में है समता। समत्व, जब समता का भाव होता है तो हम सबको एक रीति से देखते हैं, विषमता होती है तो किसी के प्रति हमारा सद्भाव होता है, किसी दुर्भाव। अगर आपको कर्मयोग करना है तो समता के भाव से करिए। सद्भाव और दुर्भाव होता है राग द्वेष के कारण, जिसके प्रति हम राग से भरे होते हैं, आसक्ति से पूर्ण होते हैं, उसके प्रति हमारा सद्भाव होता है, जिसके प्रति हमारे मन में द्वेष होता है, विद्वेष होता है, उसके लिए हम द्वेष से भर जाते हैं, आसक्ति से द्वेष से पूर्ण होते हैं। राग द्वेष हमारे अंदर अपनेपन और परायापन का भाव पैदा करते हैं। हमारे लिए कौन अपना है कौन पराया, हमारा चित्त समता का भाव अनुभव नहीं कर पाता। राग द्वेष जाए तो समता का अनुभव होता है, समता का अनुभव होने लगे तो हमें सर्वत्र अपनी अंतरात्मा व्याप्त दिखाई देने लगेगी। भगवान कहते हैं छठे अध्याय में 30वां श्लोक है, छठे अध्याय का 30वां श्लोक है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति, जो मुझे सब ओर देखता है छठे अध्याय का 30वां श्लोक, जो पुरुष संपूर्ण जीवों में भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही देखता है, और संपूर्ण भूतों को मुझ में मेरे अंदर देखता है, वासुदेव के अंदर का देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। छोटा सा श्लोक है ये 30वां श्लोक, पर ये अपने आप में इतना बड़ा मर्म लिए हुए है कि हमको भगवान को किस रूप में देखना चाहिए। भगवान सबके अंदर है, भगवान सबके अंदर है, हर जीव के अंदर है, सबके अंदर है, बॉस के अंदर भी है, पत्नी के अंदर भी है, पति के अंदर भी है, बच्चों के अंदर भी है, हमारे रिश्तेदारों के अंदर भी है, सबके अंदर है, दोस्तों के अंदर भी है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति, सब जगह में मुझे ही दिखाई पड़ता है। तो आपको भगवान ही भगवान दिखाई पड़ने लगेगा और आपका जो चिंतन है सर्वज्ञ सर्वत्र स्पष्ट है, प्रकट है, जो सर्वत्र मुझे देखता है, अपनी अंतरात्मा को देखता है। फिर राग कैसा द्वेष, क्योंकि राम को बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, अपने बेटे से भी ज़्यादा, भरत से भी ज़्यादा। एक संस्कार जगा, एक कर्म जगा, एक ही माध्यम बनी और राम को वनवास दे दिया। वो कर्म पूरा हुआ, घटना पूरी हुई, कैकेयी का माथा खुल गया, मस्तक खुल गया, विचार खुल गए, अंधकार छट गया, उन्हें उसे अपने किए पे बड़ा पछतावा आया। ज़्यादा दिन नहीं लगे, दशरथ की डेथ के थोड़े दिन बाद ही पूरा दरबार, अयोध्या का पूरा पूरा शासन
सब चल करके पहुंचा था भगवान राम को मनाने के लिए कि आ जाओ भैया आ जाओ, चले चलो वापस वापस चलो, अयोध्या संभालो अपनी। उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो आया ही सीखने के लिए हूँ प्रकृति से, मैं तो आया हूँ ऋषि मुनियों से उपदेश लेने के लिए आया हूँ, पिता की आज्ञा मानी है मैंने, और कोई मैंने गलत काम नहीं किया, इसलिए आप कोई किसी तरह की बात मत रखो। सबसे ज़्यादा उन्होंने अपनी माँ कैकेयी से प्यार किया और कहा आप अपने मन में दोषी मत हो, आप निमित्त हो, प्रकृति ने किया सारा काम, ये तो प्रकृति ने किया, इसलिए इसको आप अपने मन से निकाल दो। समता में स्थित होकर जो कर्म किए जाते हैं, जो कार्य किया जाता है, वो कर्मयोग होता है, वो बांधता नहीं है। ये कर्मयोग का आचरण पांचवा आयाम, कर्मयोग का पांचवा आयाम। भगवान कर्मयोग को और परिभाषित करते हैं, योग कर्मसु कौशलम, ये पांचवा आयाम है। योग कर्म जो है कौशल कुशलतापूर्वक करने को योग कहा है उन्होंने। योग की सारी परिभाषाएं इन सातों आयाम में आ जाएंगी जो मैं तुमको आज सुना रहा हूँ। योग कर्मसु कौशलम, कर्म को कुशलतापूर्वक करना, स्किल्ड एक्शन, जो भी करो अच्छी तरह करो, एक्सेलेंस इन योर एक्शन, एक्सेलेंटली करो, ऐसे बेढ़पन से नहीं, जो जो मन में आया कर दिया, कमरे में घुसे तो एक हाथ में किताब, वो किताब उधर फेंकी, वो एप्रन इधर फेंका, जूते इधर फेंके, एक जूता इधर गिरा, एक जूता उधर गिरा, ये क्या है? ये एब्सर्ड वे ऑफ वर्किंग, ये गलत काम करने का तरीका। कैसे करें? कर्म को कुशलतापूर्वक, जैसे कर्म में जब कुशलता होती है तो हमारे तन और मन को कर्म में पूर्ण नियोजित होने की बात मिलती है, संपूर्ण रूप में कर्म में स्थिर होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए, यहाँ ध्यान आ जाता है, कर्म का ध्यान वाला स्वरूप, कर्म के साथ, कर्मयोग के साथ एकाग्रता, तल्लीनता, तन्मयता, ये सब आ जाती है। तो ये आपके मन में आना चाहिए कि हमारा जो भी कर्म हो हम काम मन लगा के करें, मन लगा, जैसे कितने बार बार, अरे मन लगाया कि नहीं तुमने यार, मन लगा के पढ़ते हो कि नहीं, मन लगा के पढ़ते हो, तुमसे भी कह रहा हूँ भाई, 9 मई से तुम्हारे एग्ज़ाम है, 8 मई से, तो मन लगा के पढ़ो, तल्लीन होके पढ़ो। कहाँ मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन कैसे नहीं लगता, मन को ज़बरदस्ती रगड़ो, पकड़ के बांधो उसको, और पकड़ के बांधो और उसको ऐसा अपना 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 दास बना लो, तुम्हारा मन भी लगने लगेगा। हमें बार बार फलाकांक्षी होते हैं, हम फल के आकांक्षी होते हैं, बार बार सपने बुनते हैं, बार बार सपने देखते हैं, मैंने आज सपना देखा कि मैं फर्स्ट आया हूँ, आ हा हा क्या आनंद है, अब खुश, अपने आप खुश हो रहे हैं, अपने आप प्रसन्न हो रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। बार बार जो आप सोचते हैं ना कि हम क्लास में फर्स्ट हो जाएंगे, प्रथम आ जाएंगे, फिर नौकरी आगे लग गई, फिर पैसा भी आया बहुत, ये सब शेख चिल्ली के सपने पूरे के पूरे, ये नहीं करना है आपको। क्या करना है? बहुत सारे सपने जुड़ जाएँ उस कर्म के साथ, फल मिलता नहीं है, मिलने में संदेह है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी इंटेंसिटी, फल की आकांक्षा आपकी वो नहीं होना चाहिए, आपके कर्म की इंटेंसिटी बहुत तीव्र होनी चाहिए, कर्म की इंटेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, फल की इंटेंसिटी नहीं होना चाहिए कि फल मिलेगा कि नहीं, फल वल मत सोचो बार बार, मन बिखरता है, असंगठित होता है, आकांक्षा के बन जाने कारण मन बिखर जाता है, और मन इधर से उधर चला जाता है, विभाजित हो जाता है, इसलिए भगवान बार बार कहते हैं माँ फलेशु कदाचन, माँ नहीं, फल यानी फल की चिंता मत कर, कदाचन कभी भी फल की चिंता मत कर, तू कर्म किए जा, कर्म करता चल। गुरुदेव हमको बहुत बड़ा स्वप्न दे गए और बहुत बड़ा काम दे गए युग निर्माण, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि तुमको तुरंत मिल जाएगा, तुम करते चलो भाई, करते चलो। कई बार लोग हमसे कहते हैं, आप बार बार कहते हैं कि ग्रह ग्रह यज्ञ, ग्रह ग्रह गायत्री उपासना, इससे क्या होगा? अरे कर्म करो ना, माना किसने किया है, कर्म करो बस, गुरुदेव का काम है, युग निर्माण का काम है, युग निर्माण करो सब मिलकर, कि ये प्रभु का है काम, बस कर्म का फल जरूर मिलेगा, पर तुम उसमें आसक्त मत हो कहीं भी। तुम क्या करो, आप योग कर्म सुकौशलम, अपने कर्म को कुशलतापूर्वक करो। लोग करते हैं तो बड़े शानदार ढंग से करते हैं, घर घर जाते हैं, किताब देते हैं, देके आते हैं, कभी सोचते नहीं कि हमने इसका फल कब मिलेगा, ये मत सोचो कि इसका फल कब मिलेगा, फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। दो तरह से कर्म करते हैं हम, लोभ से और भय से, आदमी दो तरह से काम करता है, एक तो लोभ आ जाता है उसके मन में, कुछ न कुछ मिलेगा, और भय, किसी ने डरा के कह दिया कि काम करना पड़ेगा। हमारे अंदर लोभ होता है कुछ मिलेगा, हम भयभीत होते नहीं करेंगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। योगी लोभ और भय के अधीन नहीं होता, ना वह लोभ करता है ना भयातुर होता है,
वो तो बस अपना मन काम पूरा करता है, पूरा करता है। परफेक्शनिस्ट उसको कहते हैं जो काम करने में कभी इधर उधर नहीं जाता, हमेशा सही रहता है, तल्लीनता से काम करता है। अगर हमारे मन में आसक्ति नहीं है तो हम काम क्यों करेंगे? हम राग से भर कर के अच्छे काम करते हैं, द्वेष से भर के बुरे काम करते हैं, इस पाने की इच्छा से अच्छे काम करते हैं। हमें किससे बदला लेना है? किसी को मारना है, किसी को नुकसान पहुंचाना है? ऐसा सोच के बुरा काम मत करिए, राग द्वेष। तो भगवान कहते हैं ऐसा करोगे तो आप जन्मों तक बंधे बनते चले जाओगे, जन्म जन्मांतर तक। बंधन में बंधन नहीं है, कर्म से कुशलम, कर्म में कुशलता सीखो। कर्म तो हम करें लेकिन बंधे नहीं, कुशलतापूर्वक किया हुआ कर्म वो है जिसमें आप बंधे नहीं हैं, आप उन्मुक्त रहें। और कर्म तो हम करें लेकिन बंधन हो, ये जो कर्म की कुशलता है इसको, इससे कर्म करते हुए हम मुक्त होते रहें। मुक्त संगह समाचर, आसक्ति से मुक्त होकर के और बिना किसी तरह की भावना से आप कर्म करते चले, समाचर कुशलतापूर्वक, असम संभाव से आचरण करते हुए मुक्त असंग होकर अनासक्त होकर कर्म करें। छठा आयाम है कर्मयोग का, सभी कर्मों को भगवान में अर्पित कर दो, डोंट कीप विथ यू। कर्मों का जब हम, वो ढेर सारे लोग मेरे पास जो विजिटिंग कार्ड दे जाते हैं उसमें पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक डिग्रीज 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 अचीवमेंट अचीवमेंट। मेरे को बोलते हैं डॉक्टर साहब आपने इतने सारे पेपर लिखे हैं, आपने इतने सारे लोगों को पीएचडी दिलाई है, कम से कम 75-80 लोगों को आप सबका नाम उल्लेख करके करें ना तो आपका आपका विजिटिंग कार्ड बढ़िया हो जाएगा। उससे क्या होगा? मैंने पूछा, बोले लोग प्रभावित होंगे। मैंने कहा कौन लोग प्रभावित होंगे? ये नादान अज्ञानी जिनको ये समझ में नहीं आता कि क्या क्या इसका मतलब होता है। मैंने किसी के अगर मान लो पीएचडी करवाई है और साइन उसका वो किया है, या मैंने पढ़ाया है, या मैंने गीता की क्लास ली है, इनकी क्लास, इन सब चीज़ों को मैं अगर ज्ञान में बखान कर दूं कि मैंने क्यों किया ये, तो इससे क्या होगा? मेरा सम्मान और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। ये नहीं जानते लोग बात। आप भी ये मान के चलना कि आपको भी अपने जीवन में बड़े बड़े आयामों को पार करना है तो सबसे पहले भगवान को कर्म का फल देना चालू करो। यत करोषि यद इश्नासि यद जुहोषि ददासि यत, ये है गीता का नवा अध्याय, गीता के नवा अध्याय का 125वां श्लोक। ठीक, ये है 27वां श्लोक। यत करोषि यद इश्नासि, तू जो करता है, तू जो खाता है, यद इश्नासि यद जुहोषि, जो तू यज्ञ करता है, हवन करता है, यद ददासी जो तू देता है, दान करता है, यद तपस्यसी जो तू तप करता है, हे कौनते ये सब मेरे अर्पण कर दे। भगवान बड़े स्वार्थी हैं इस मामले में, वो आपके पास ही रहने देना चाहते हैं, वो चाहते हैं मुझे अर्पित करो, चलो लाओ, गिव इट टू मी, इट हैज़ बीन गिवन टू यू बाय मी, मैंने दिया है, तुम मुझे वापस दे दो। अरे भगवान को देने में आनंद आ जाएगा तुमको, क्योंकि तुमको मिल जाएगा वापस कई गुना होकर। भगवान को देते में देने के बाद वो तुमको कई गुना होकर के मिल जाएगा। ये नहीं समझ में आता आदमी को देते, मैं नहीं दूंगा आपको भगवान, मैं नहीं दूंगा, आप बड़े स्वार्थी हो, आप तो मांगे जा रहे हो। तो बोले तू जो सर्वप्रिय, सबसे ज़्यादा प्रिय मैं ही हूँ, इसलिए तू मुझे दे, भगवान से अधिक प्रिय कोई नहीं। भगवान कहते हैं जो कर्म किया जाता है तो मेरे लिए अर्पण कर। यत करोषि, जो करता है, यहाँ तक भगवान कहते हैं जो तू खाता है, जो तू हवन करता है, जो तू दान देता है, जो तू तप करता है, प्रत्येक कर्म प्रातः से लेकर सायंकाल तक मुझे अर्पित कर दे। क्या विलक्षण बात है। देने का आनंद जो है वो बहुत ही अलग होता है, पर देने का आनंद, आर्ट ऑफ गिविंग आजकल बहुत ज़्यादा टॉपिक लेक्चर के रूप में आ रहा है। आर्ट ऑफ गिविंग, देना चालू करें तो आनंद आ जाएगा, बहुत बढ़िया। देने के बाद आपको मिल जाता है रिटर्न में। मान लो मना कर दे, समुद्र मना कर दे, मैं नहीं दूंगा पानी, बादल नहीं दूंगा, बादलों को ऊपर में निकलने दो पर मैं बादलों में पानी नहीं भरूंगा। जब समुद्र इवेपोरेट नहीं होगा, बादल नहीं बनेंगे, तो पानी कैसे बरसेगा? जब पानी नहीं बरसेगा तो ग्लेशियर कैसे बनेंगे? और ग्लेशियर पिघलेगा नहीं तो नदियां कैसे बनेंगी? और नदियां नहीं बनेंगी तो समुद्र सूख जाएगा। नदियां नहीं आई अगर भर करके, समुद्र सूख जाएगा। तो अगर समुद्र देना बंद कर देगा, समुद्र सूख जाएगा। इसलिए देना चालू करो, देना चालू रखो, अपनी प्रतिभा बांटते रहो, बांटते रहो, अपना ज्ञान बांटते रहो, सब कुछ देते रहो, सब कुछ देते रहो। नए हिसाब है तो मेरा कॉपीराइट है, मेरे पास क्लासेस लिखी रखी हैं डॉक्टर साहब की सारी, मैं किसी को नहीं दूंगा।
तुम मत दो किसी को, वो ज्ञान ऐसा होता है इवेपोरेट हो जाता है पूरे समाज में, पूरी दुनिया में, वो मिल जाएगा किसी न किसी तरह से मिल जाएगा, पर अगर आप निमित्त बन जाओ तो, आप निमित्त बन जाओ उसके देने के, कितना बढ़िया होगा, आपको मिलेगा श्रेय। प्रत्येक कर्म को आरंभ से लेकर अंत तक आप अगर करेंगे तो बार बार ये बात ध्यान रखिए कि परमात्मा को अर्पित है। जब आप यज्ञ करते हो तो क्या कहते हो, इदम न मम बोलते हो कि नहीं, बताओ, ऐसा बोलते हो इदम मम बाकी रेस्ट त्वम बाकी तुम्हारा, नहीं ऐसा नहीं, इदम न मम ये मेरा नहीं, गायत्री को अर्पित, भगवान शिव को अर्पित, भगवान को अर्पित। गीता प्रेस के संस्थापक संपादक भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार, इनका जन्म हुआ था 1893 में और इन्होंने शरीर छोड़ा 1970 में। प्रातःकालीन प्रार्थना लिखी गीता में, गीता दैनंदिनी जो तुम्हारे पास डायरी होगी शायद, गीता दैनंदिनी, उसमें प्रार्थना छपी है, कर प्रणाम तेरे चरणों में लगता हूँ मैं तेरे काज, पालन करने को तव आज्ञा में नियुक्त होता हूँ आज। बहुत छोटी सी लाइन है, बहुत बढ़िया है। मैं प्रभु को आज का दिन मैं आरंभ करता हूँ आपके चरणों में प्रणाम करके, सुबह से लेकर शाम तक जो करता हूँ वह आपके लिए निमित्त करता हूँ, आपके लिए करता हूँ। प्रत्येक कर्म को प्रारंभ से लेकर अंत तक करते समय ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, भगवान के लिए कर रहा हूँ, इस भाव के साथ कर्म करना चाहिए। मैं पढ़ाई अपने लिए कर रहा हूँ, छोड़ दो आज से, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ भगवान के लिए, भगवान का मन और मेरा मन एक हो जाए, इस भाव से कर रहा हूँ। गीता ये कहती है, संसार में जो हमारे संबंध बने हैं वो चित्त तक सीमित है, संस्कार के संबंध में, चेतना के संबंध नहीं है, हमारे चैतन्यता के संबंध नहीं है, ये संबंध हमारे ऐसे हैं कि एक संस्कार उभरा, एक संबंध बना, उस संस्कार के साथ जो कर्म जुड़ा वहाँ तक संस्कार की डोर भी चलती है, उस संबंध की एक सीमा है, कालावधि है। हम बहुत प्रगाढ़ता से किसी से प्रेम करते हैं लेकिन वो प्रेम संस्कार जन्य है, वो प्रेम के टूट जाने पर व्यक्ति अलग हो जाता है और हम दुखी हो जाते हैं। इसके बजाय अगर हम जुड़े रहें पूरे सब चीज़ों से, और हम मिलना बिछुड़ना तो जीवन का धर्म है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शुभ संस्कार अशुभ संस्कार जगने पर ऐसा लगता है संपूर्ण जीवन हमने उसके साथ जी लिया, ये संस्कार के स्वरूप और कर्म के स्वरूप पर निर्भर करता है कि उसके साथ वो स्थान भी बदल जाता है। बचपन से आज तक अगर हम निरीक्षण करें अपना खुद का, ट्राई टू इन्विजिलेट योर सेल्फ, अपने आप को विजुलाइज करो, अपना परीक्षण करें, तो बचपन में हमारे कुछ दोस्त हुआ करते थे, तुम्हारे थे दोस्त, तुम्हारी थी सहेलियाँ, तो याद आती होंगी तुमको। अब ऐसा लगता था कभी उस ज़माने में कि हम इनके बिना रह भी नहीं सकते, ब्रेक भी नहीं पाएंगे, हम तो नहीं जा पाएंगे, मैं नहीं जाऊँगी, मैं यूनिवर्सिटी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, मैं नहीं जाऊँगी वहाँ, मैं क्यों, मैं तेरे को तेरे बिना नहीं रह सकती वहाँ, ये सहेली से बोल के आए थे। अब बचपन में जो हमें चीज़ प्रिय लगती थी उनके बिना हमारा कोई जीवन ही नहीं, ऐसा कोई ऐसा लगता था, एक दिन की बिछड़ने की भी कल्पना नहीं करते थे, लेकिन वो सब संस्कार टूट गए, कर्म टूट गए, संबंध टूट गए, स्थान बदल गया, अब तुम देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आ गए, यहाँ नए दोस्त बनेंगे, नए दोस्त बने हैं, किसी भी क्षण कल और कल आने वाला कल, किसी भी क्षण में किसी मुहूर्त में उसमें परिवर्तन नहीं आएंगे, वो संबंध है, एक सबसे महत्वपूर्ण संबंध है आत्मा और परमात्मा का संबंध, आत्मा और परमात्मा का संबंध, हम उसको मेंटेन रखेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सुखी सुख, सुखी सुख की खान है ये संबंध, चेतन है, निर्मल है, सुखी सुख है, इसलिए परम प्रिय है, सर्वप्रिय है, भले हम उसकी ओर से आंखें मूंदे हैं, भले उसकी ओर हम देख नहीं रहे हैं, पर ये यदि हम उसके इसको इस संबंध को यदि हम सम्मान पूर्वक देखें तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में सब कुछ हमारा। तो भगवान कहते हैं तत्कुरुष्व मद अर्पणम, सभी कर्मों को भगवान में अर्पित करो, ईश्वर में अर्पित करो, सबको, सब चीज़ों को मेरे को अर्पित कर दो। हम तो कुछ न कुछ मांग रखते हैं संबंधों में, जैसे जन्मदिन पर तुमने हमको क्या दिया था, पिछले जन्मदिन पे हमने तुमको क्या दिया था, तुमने हमें क्या दिया था, हम गणित लगाते हैं, पति पत्नी में आपस में संबंध इस बात पे बिटर हो जाते हैं, सोर हो जाते हैं, सवार हो जाते हैं, जब ये कहते हैं कि तुमने इस बार जन्मदिन पर उतना अच्छा नहीं दिया जितना पिछली बार दिया था। संबंधों में रार आने लगती है, अमुक दिन पर हमको कौन सा उपहार दिया था, उपहार उपहार जो है ये प्यार का उपहार जो है वो कभी समाप्त नहीं होता, हमेशा दिया जा सकता है, गिव एंड टेक, इससे संबंध आगे बढ़ते चले जाते हैं। भगवान कहते हैं सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, भगवान को दे दो,
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति। मुझे पत्र दे दो, बिल्व पत्र दे दो, फल दे दो, कोई सा भी फल, बिल्व का फल दे दो या वो कंटकारी का फल दे दो, जो कोई नहीं लेता। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो मैं तोयम यानी जल, जो मैं भक्तिया प्रयच्छति, जो मैं मुझे प्रेम से देता है, तुलसी की पत्ती, बेल की पत्ती, शालिग्राम में नारायण की तुलसी पत्ती चढ़ा दो, एक बेल की पत्ती चढ़ा दो शिवलिंग पर, उनके पश्चो उनके लिए प्रसन्न होने के लिए पर्याप्त है। कोई एक फूल चढ़ा दो, आग का फल चढ़ा दो। भगवान शिव जी तो सब चीज़ों के लिए राजी हैं कि आग का फल हमें दिया, ये बुरा नहीं मानते कभी। आप तो बुरा मान जाते हो कि हमको दिया तो ऐसी शर्ट दी जो बेकार थी, और हमको दिया तो ऐसा दिया। तो तुम उस गिफ्ट पे नाराज हो रहे हो, तुम भगवान के गिफ्ट पे नहीं थे प्रसन्न हो। तो भगवान को तो क्या क्या गिफ्ट देते हो, नहीं जाने क्या क्या कचरा जितना भी होता है वो सब डाल देते हो, ये कर देते हो, पानी डाल देते हो, सब कुछ। परंतु ये नहीं सोचते कि भगवान को भी तो कुछ लगता होगा। भगवान नहीं सोचता होगा कि ये धतूरे का फल चढ़ा जाता है हमको, इसको और कुछ नहीं मिला, पत्र भी नहीं मिला, पुष्प भी नहीं मिला, पुष्प भी कोई अच्छा सा पुष्प दे जाता। भगवान तो मानस पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर पत्रम पुष्पम फलम तो में आपको चिंता हो रही है कि क्या क्या दें हम, तो मानस पूजा, भगवान का मानस पूजन। मानस पूजन में क्या करते हैं, हम अपने मन में स्थिर हुए, भाव एकाग्र हुए, आराध्य को अपने अंदर से भाव सौंपे, मन से हम दही चढ़ा रहे हैं, मन से पुष्प अर्पित कर रहे हैं, मन से सुगंध अर्पित कर रहे हैं, मन से द्रव्य अर्पित कर रहे हैं, मन से कुछ है हमारे पास, जो कुछ भी हम कल्पनाएं हमारी भावनाएं सब अर्पित कर रहे हैं, इसको कहते हैं मानसोपचार, मानस पूजा। मानस पूजा में तो कुछ नहीं जाता घर का, अपने यहाँ से तो कुछ नहीं जाता, अपनी जेब से तो कुछ नहीं जाता। मानस पूजा करने में क्या जाता है आपका भगवान से? अगर आपको देना ही है भगवान को तो मानस पूजा से दो, मानसोपचार पूजन। कबीरदास जी कहते हैं जो जो काम मैं करूँ वो सब भगवान का वो बन जाए, एक स्टेप बन जाए, भगवान की दिशा में एक स्टेप बन जाए। जो जो काम करूँ सो परिक्रमा, मैं चलूँ तो परिक्रमा, मैं अगर बात करूँ भगवान से, पत्थर से बात करूँ तो वो भी भगवान का, भगवान की पूजा है। मैं जो मैं दे देता हूँ वही पूजन है। कबीरदास जी कहते हैं हमारे चिंतन में, हमारे चित्त में, हमारे चेतना में भगवान वास करते हैं, इसलिए जो करते हैं वही पूजा है। जो हाथों से करते हैं, हाथों से कर्म करते हैं, पूजा है भगवान की। जब हम पैरों से चलते हैं तो वो परिक्रमा है। जब हम भाव गहरे जुड़े रहें, मन गहरे जुड़ा रहे, तो कर्मयोग हो जाता है। कर्मयोग का आचरण चाहिए हमको। कर्मयोग का सातवां आयाम, आठवां भगवान कहते हैं, आठवां सातवां आयाम, मान लो कि हम कर्मयोग नहीं कर पाए, मान लो हम कर्मयोग नहीं कर पाए, हमको मालूम नहीं, समझ में नहीं आया, इतनी तेज़ी से डॉक्टर साहब बढ़ते चले गए कि इतने सारे छः कर्मयोग निकल गए, हमें समझ में नहीं आया, तो हम तो सातवें में समझाते हैं तुमको। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, ये भगवान कहते हैं श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, बारहवें अध्याय का बारहवां श्लोक, बारहवें अध्याय का बारहवां श्लोक। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्मफल त्याग, ध्यानात कर्मफल त्याग, त्याग शांति अनंतरम। भाई कुछ नहीं तो आप चार पांच चीजें छोड़ दीजिए एक एक करके। श्रेयो ही ज्ञानम, ज्ञान अच्छा है लेकिन ज्ञान केवल विचार है, इस मर्म को नहीं जानते, ज्ञान को आचरण में नहीं लाते ना, इसलिए ज्ञान केवल आजकल एक वो रह गई है, मानसिक शगल रह गया है। पत्रिका पढ़ते हो, पत्रिका उठा लेते हो, वो ज्ञान है, या तुमने किताब उठाई, किताब पढ़ा, ज्ञान है। तुम्हारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा, तुमको इस किताब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तब तुम भूल जाओगे कि किताब नाम की कोई चीज़ पढ़ी थी आपने। ज्ञान जो है वो है जिसमें सारा अभ्यास जुड़ा हुआ हो। एक आदमी है प्राणायाम का बहुत ज्ञान रखता है, आसन का बहुत ज्ञान रखता है, वार्ता हो, चर्चा हो, चिंतन हो, तो बहुत घंटों बोलता है, पर अभ्यास नहीं किया उसने जीवन में, अभ्यास नहीं किया उसने जीवन में कभी। तो बिना अभ्यास के ज्ञान बेकार है, बिना प्रैक्टिस के ज्ञान बेकार है, ज्ञान में अभ्यास जुड़ना चाहिए। तो भगवान कहते हैं अगर अनगढ़ अभ्यास है तो उससे ज्ञान अच्छा है, कुछ हम जानते हैं, कुछ चिंतन करते हैं। भगवान कहते हैं ज्ञान से भी ज़्यादा श्रेष्ठ ध्यान, ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान विशेष विशेष है। अगर आपको ध्यान करना आता है तो कर्मफल का ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्मफल का त्याग, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ। ध्यान जैसा भी ध्यान आपको आता है कर लो, सूर्य का ध्यान कर लो, दीपक का ध्यान कर लो, दीपक की लौ का ध्यान कर लो, आकाश का ध्यान कर लो, तारों का ध्यान कर लो, रेलवे की वो जा रही है बजती हुई विसिल जोर से, तुम चिंता मत करो तुम्हारा ध्यान डिस्टर्ब नहीं हुआ, तुम उसी को बना लो अपना ध्यान का एम,
टारगेट, उसी को बना लो। तुम्हारे आसपास कोयल बोल रही है तो कोयल की आवाज़ को बना लो, कोयल की आवाज़ बहुत सुंदर होती है, मधुर होती है। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं। ध्यानम, ध्यानम, और ध्यान से भी ज़्यादा श्रेष्ठ क्या है, भगवान कहते हैं ध्यानात कर्म फल त्याग, ध्यान से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है कर्म फल का त्याग। कर्म फल का त्याग सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, और त्याग से तुरंत तत्काल शांति मिलती है। जैसे कर्म फल का त्याग करते हो वैसे ही आपको शांति मिलती है। त्यागा शांति अनंतरम, अनंत स्तर की शांति मिलती है। अगर आपने कर्म फल त्याग करने की प्रक्रिया को सीख लिया, तो मैंने जो 5-6 आयाम बताए ना, इन 5-6 आयाम में ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम, उसके बाद ध्यानात कर्म फल त्याग शांति अनंतरम, 12वें अध्याय का 12वां श्लोक, इसको पढ़ना बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर। अगर हमारे जीवन में ये आ जाए तो वास्तव में देखते देखते हमारे जीवन त्याग से तत्काल शांति मिलेगी। आज कॉरपोरेट का युग में है, युग है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े पैकेज हैं, गवर्नमेंट की बड़ी से बड़ी नौकरी मिल रही है, 3 लोग एक महीने में उतना कमा लेते हैं जिनका कि कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज 30-30 लाख, 40-40 लाख के पैकेज मिल रहे हैं महीने भर के, पर शांति नहीं मिल रही, शांति का पैकेज नहीं मिल रहा है। नींद चली गई, गायब हो गई, समय नहीं है उपभोग करने का, हमारे पास सुकून नहीं है, साधन है पर सुख नहीं है, उन साधनों में उपभोग नहीं कर पाते। तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं 2 अध्याय में, अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से मिलेगा, और आप चिल्लाते रहते हो सुख चाहिए सुख चाहिए सुख चाहिए। सुख उसको मिलेगा जिसको पहले शांति मिलेगी, शांति मिले तो सुख मिले। हम बहुत चिंता करते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कब शांति मिलेगी, कब शांति मिलेगी। कर्मयोग के बहुत सारे आयाम हैं जिनमें किसी एक को अगर हम अपने जीवन में अपना लें, अभी मैंने 7 आयाम बताए, तो हमारे जीवन में, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ उनके हेडिंग्स, तो आपको ये कम से कम ये हो जाएगा कि एक बार उसका दोहरा हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा। पहला आयाम आसक्ति का त्याग, असंगोस्तु का कर्मणि। दूसरा है राग देश वियुक्तेस्तु, राग देश से मुक्ति। तीसरा आयाम है कर्तापन का त्याग। चौथा आयाम है समत्वम योग उच्चते, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द टू, अपने जीवन में अति किसी की न हो, कर्म सर इसका त्याग। पांचवा आयाम है योग कर्म सु कौशलम, ठीक है ना, रिपीट कर रहे हो तुम लोग, देख रहे हो अपने, रिवाइज कर रहे हो। छठा आयाम है कर्मयोग का मद अर्पणम, मुझे अर्पित कर दो, सब कुछ मुझे अर्पित कर दो, मुझे दे दो सब कुछ। सातवां आयाम है, भगवान ने जो किया कहा है वो कहा है ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, और ज्ञानात कर्म फल त्याग शांति अनंतरम, त्याग से कर्म फल के त्याग से शांति मिलती है। सबसे बड़ा मर्म जो है लास्ट में कह दिया उन्होंने कि आप कर्म फल छोड़ दो, तो कर्म फल छोड़ो, कर्म फल का मत रखो चक्कर। जितने भी आपको ये मैंने सिद्धांत बताए हैं ये सारे के सारे गीता का मर्म है, गीता की क्रीम। आज मैंने अंतिम दिन यहाँ तुमको सामने रख दी है कि गीता की क्रीम है पूरी पूरी। कर्मियों का सिद्धांत कहता है कर्म के द्वारा, निष्काम कर्म के द्वारा, कामना रहित कर्म के द्वारा, फलाकांक्षा विहीन कर्म के द्वारा चित्त शुद्धि हो सकती है। सबसे बड़ा फल क्या है, चित्त की शुद्धि, जिसके लिए आदमी बहुत परेशान रहता है। चित्त शुद्ध हो जाए हमारा सब कुछ ठीक हो जाए, स्फटिक की तरह से शुद्ध हो जाए, बिल्कुल स्फटिक मणि की तरह सफ़ेद निर्मल। यदि हमने अनुशासन में बांध लिया अपने आप, कर्मयोग के अनुशासन में, सिद्धांत कहता है कर्म से योग हो सकता है, हम भगवान से जुड़ सकते हैं। कर्मयोग की प्रक्रियाएँ क्या हैं, कैसे स्टेप्स क्या क्या हैं, आसक्ति का त्याग, राग द्वेष का त्याग, कर्तापन का त्याग, समत्व एक प्रक्रिया, कर्म को कुशलतापूर्वक करना, अनासक्ति, असंग होना, और समस्त चीज़ों का परिणाम क्या है, चित्त शुद्धि। ये मर्म जो है लास्ट में लिख लेना, सब चीज़ों का परिणाम है चित्त शुद्धि। तो भगवान उदाहरण देते हैं कर्मयोग करने वाले का, जनकादि ज्ञानी जनों का जो है वो तो इसी से सिद्ध हो गया था, जनक वगैरह का इसी से कर्मयोग करते करते ही वो लोग अपने सिद्धि को, लक्ष्य को पहुंच गए। बड़ी से बड़ी सिद्धि, बड़े से बड़े लक्ष्य पूरे हुए हैं केवल कर्मयोग से। अगर आपको नहीं आता
पतंजलि का योग अगर आपको नहीं आता, यहाँ जो सिखाया जाता है योग, या आपको ऐसा समझ में आता है कि वो चीज़ हमको नहीं आती, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं, आप कर्मयोग करते चले जाओ, बस केवल कर्मयोग से ही पूरी सिद्धि मिल जाएगी। पश्चिम जगत में एक साधक हुए हैं, नाम था उनका भाई लॉरेंस, संत थे। भाई लॉरेंस के पत्र नाम की किताब गीता प्रेस ने छापी है। बड़े धैर्यपूर्वक एक चर्च में, एक जगह, एक संगठन में लोगों को खाना खिलाते थे, खाना बनाते थे और खिलाते थे। दो ब्रदर्स थे लॉरेंस ब्रदर्स, खाना बनाना, खाना खिलाना, भोजन कराते थे। कोई जप नहीं, कोई पूजा नहीं। कई बार लोगों ने पूछा आपका, आपकी पूजा का टाइम क्या होता है? हमारा तो ये काम है, हम ये काम करते हैं। उनके अंदर भाव था, काम के प्रति भाव था, लगन थी। जो आता था उसको प्रेम से भोजन कराते थे वो, और ऐसे कराते थे जैसे भगवान सामने बैठे हों, भगवान को खिला रहे हों। बस जीवन भर उन्होंने ये काम किया, उसे हम खाना खिला रहे हैं। बर्तन मांजते, खाना बनाते, खाना खिलाते, जब बर्तन मांजते तो सोचते जैसे बर्तन साफ हो रहा है, ऐसे ही हमारा अंतःकरण भी साफ हो रहा है। रैदास ने कहा है, जो मन चंगा कठौती में गंगा। तो देखो, रैदास चर्मकार थे, बढ़िया जूता सिलते थे, बढ़िया जूता बनाते थे, मन चंगा रहता था। इस सामान्य कार्य को करते करते असामान्य भाव डेवलप हो गए, करते करते असामान्य बन जाता है मनुष्य, असामान्य बन जाता है। मीरा ने उनको गुरु बना लिया, मीरा ने उनको गुरु, मीरा के गुरु थे रैदास। मीरा राजरानी थी और उसके गुरु थे रैदास। जब हम कर्म करते हैं, क्यों करते हैं, हमारे मोटिव्स क्या होते हैं, हमारी अंतःप्रेरणा क्या होती है? मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही उनको बांधता है और मन ही मुक्त कराता है। हमारे मन में भाव आते हैं कि नहीं, ऐसे कि हमने जो पढ़े हैं, जो किया है, वो सब हमने मुक्त होने के लिए किया है। गांधी जी का बहुत बड़ा, बहुत सारा जीवन जेल में गुजरा। गांधी जी ने पत्र लिखे हैं जेल से विभिन्न लोगों को। कभी उन्होंने ये नहीं लिखा कि मैं इस जेल में हूँ। उन्होंने लिखा, मंदिर यरवदा, मंदिर यरवदा, पुणे में जेल है। वो जेल को मंदिर कहते थे। क्यों? मुझे मौका लगा यहाँ पे साधना करने का, कर्मयोग करने का, बुनने का, चरखा चलाया मैंने, मैंने लोगों को न जाने कितने पत्र लिखे। तो पत्र में ये नहीं लिखा होता था कि यरवदा जेल इस डेट में, यरवदा मंदिर, यरवदा मंदिर। तो ये बाकी समय ध्यान किया, चिंतन किया। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, कर्मयोग का आचरण उसकी निष्कामता संकटों को दूर कर देती है, इसकी निष्कामता संकटों को दूर कर देती है। इस आचरण मात्र से आपके संकट दूर हो जाते हैं। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं, या गुरुदेव से लोग पूछते थे, गुरुदेव से पूछते थे, गुरुदेव आप कितनी माला करते हैं? तो गुरुदेव कहते थे, बेटा वो माला रखी है वहाँ पर, देख ले, मेरी माला है, पर मैं माला कभी हाथ में नहीं लगाता, बिना किए मेरी माला अपने आप चलती रहती है। मुझसे कई बार पूछते हैं, मैंने कभी, मैं भी गिनता नहीं कितनी माला करता हूँ, परंतु मैं करता जरूर, मन ही मन करता रहता हूँ, मेरा मन ही मन चलता रहता है। जब आदमी कर्मयोग का आचरण अगर करता रहे तो निरंतर उसके पास एक विशेष दृष्टि डेवलप होती चली जाएगी, विजन, स्पेशल विजन। कर्मयोग का आचरण करने वाला कर्म करते हुए अपनी ग्रंथियों को खोलता चला जाता है, जीवन मुक्त होता चला जाता है। ये एक सबसे बड़ी सिद्धि है। पतंजलि योग सूत्र में भी विदेह मुक्ति की बात की गई, इसमें विदेह मुक्ति की बात की गई। श्रीमद् भगवद्गीता में कर्मयोग का उपदेश भगवत चिंतन का, भगवद्गीता का निष्कर्ष जैसा है। श्रीमद् भगवद्गीता में तीसरा अध्याय अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है। तीसरा अध्याय कर्मयोग है, तीसरा अध्याय कर्मयोग है, गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग है। जायसी जेत कर्मणास्ते मता बुद्धि जनार्दन, तम तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो आप मुझे क्यों इस कर्म में लगा रहे हैं, इस घोर कर्म में? भगवान बताते हैं कर्मयोग की महिमा, कर्मयोग की चर्चा करते हैं। ये कहते हैं, ओम तत्सद इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोध्याय। कामनाएं बांधती हैं एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम आत्मना यही शत्रु महाबाहो कामरूपो दुरासदम। इसी तीसरे अध्याय का अंतिम श्लोक है। ये कामरूपी शत्रु है, इसको मारो, खत्म करो, कामनाओं को खत्म करो। कामनाओं से मुक्ति सारे के सारे कर्मयोग का एक मर्म है, कामनाओं से मुक्ति। कामना मत पालो अनावश्यक। इसका मतलब क्या? टू बी कंटेंटेड, पूरी तरह सेटिस्फाइड होकर जीवन जिए, नहीं, इच्छा रखो पर इच्छा को पूरी करने का एक स्वरूप बनाओ पूरे पर। कामनाओं से मुक्ति,
कामनाओं को मारो, फल की इच्छा करो मत करो। श्रीमद् भगवद्गीता का तीसरा अध्याय मूल रूप से कर्मयोग को मर्म बताने वाला, कर्मयोग का जो आचरण करता है उसको समझाने वाला एक मर्म है। अंदर से वो कुछ विशेष होते जाते हैं, जैसे कबीर कपड़ा बुन रहे हैं, कबीर कपड़ा बुनते बुनते और योगी बन जाते हैं, सिद्ध पुरुष। रैदास चमड़े का कार्य करते करते सिद्ध पुरुष। मीर गोरा कुमार, तुमने नाम सुना, गोरा कुमार का नाम सुना, ये ज्ञानेश्वर से जुड़े हुए लोग थे सबसे। गोरा कुमार अपने बर्तन आवे में पका रहे हैं और उसके बाद भी वो निखर जाते हैं, तो ऐसे निखर जाते हैं कि सिद्ध पुरुष बन जाते हैं, बर्तनों को वो चाक में गढ़ देते हैं। नामदेव दर्जी हैं, पर दर्जी होते हुए भी वो क्वालिटी इतनी मेंटेन करते हैं कि वो एक बहुत श्रेष्ठ सिलाई करते करते संन्यास कर्म करने लगते हैं। बाहर से सबको सामान्य है, योगी पुरुष जो होता है बाहर से सामान्य दिखता है। ये मत समझना कि इतना बड़ा तिलक और इतने बड़े दुपट्टा ओढ़े हुए और ये और ये, मैंने तो श्रृंगार करते हुए देखा है योगियों को, योगियाँ मतलब जो सो कॉल्ड योगी कहलाते हैं, श्रृंगार करते हुए देखा, कम से कम 1.5 घंटा लगता है उनको श्रृंगार करने में। तिलक विलक लगाया जाता है उनको, फिर उनके ये इधर से अभी ठीक करो, थोड़ा सा ये भी ठीक करिए, गुस्सा करते हैं होंगे, और उसका सजते हैं पूरा 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 कपड़ा, फिर वो एक बड़ा बैरागी रंग का कपड़ा जो है ऊपर से कलफ किया हुआ वो आता है। मैंने तो कम से कम जितने भी सिद्ध पुरुष हैं, जितने भी संत लोग कहे जाते हैं, उन सब का पूरा आवरण देखा है मैंने, बाहर का आवरण, अंदर का आवरण, भीतर का आवरण सब देखा है मैंने, सब कुछ देखा है। और मेरे को समझ आया सब बेकार, सब बेकार। असली चीज़ क्या है, जीवन किस भाव से जिया गया और किस तरह से आपने उसको लिया। जन्म कर्म जो हैं, जीवन में खुशबू आई कि नहीं, सुगंध आई कि नहीं, कर्मों में खुशबू आई कि नहीं, जिसके कर्म में, जिसके जीवन में दिव्यता आ गई, वो उसका जीवन धन्य हो गया। जन्म कर्म भगवान ने अपने कहते हैं कि सामान्य कर्म करते हुए जीवन रूपांतरित कर लो, सामान्य कर्म करते हुए, कोई विशेष नहीं। कई बार पूछते हैं लोग, व्हाट इज द प्रोसीजर टू बिकम ए महात्मा, एक ही प्रोसीजर। गुरुदेव गए थे गांधी जी के पास, गांधी जी से पूछा था महात्मा गांधी बनने का उपाय बताइए, तो उन्होंने कहा ये दतौन लो, दतौन को दतौन से साफ करो दांत, और उसके बाद इसको दतौन को साफ करके सुखा देना उसको, फिर वो दूसरे काम आ जाएगी, उससे फिर हम टॉयलेट का जो फ्लोर है वो क्लीन कर सकेंगे। गुरुदेव को इतना छोटा सा सूत्र दिया उन्होंने, पर ये इस सूत्र में सब कुछ छिपा पड़ा है। कर्मयोग से जीवन दिव्य बनता है, सब कुछ दिव्य होता चला जाता है, रूपांतरित होता चला जाता है। ईश्वर का संस्पर्श, ईश्वर का संपर्क, ईश्वरीयता, मनुष्य और ईश्वर का मिलन संभव होता है कर्मयोग से। कर्मयोग गजब की चीज़ है, फालतू के चक्कर मत पड़ना। हमको तंत्र योग सीखना है, हमको ये सीखना है, हमको मंत्र योग सीखना है, ये सब चीज़ें बेकार हैं। असली चीज़ क्या है, अपने कर्मों को दिव्य बना लेना, डिविनिटी इन एक्शंस, दिव्यता, दिव्यता से भरे कर्म हों बस। युग युग तक जग याद करे तुम ऐसे कर्म करो, कर्म में ऐसे मर्म भरो, बस ये जीवन का मर्म है। अब मैं बहुत सारे लोगों को बुलाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ जिन्होंने अभी तक आरती नहीं की हो ईमानदारी से, जिन्होंने अभी तक नहीं की हो ईमानदारी से, वो हाथ उठा कर सकते हैं। नहीं नहीं, सब लोगों ने हाथ ऊँचा कर दिया। पीछे की लाइन में से 4-5 लोग लड़कियाँ आ जाओ, इधर इधर पीछे की लाइन में, बीच में से जो जहाँ बताओ, 2-3 लोग आ जाओ बेटा, तुम आ जाओ, आजा आ जाओ, इसने हाथ ऊँचा किया, बस सब लोग बताना, मुझे भीड़ से बहुत डर लगता है। आजा बेटा चलो, बस बस बस, आप मत उठो, मत उठो आप, आ तू आ जाओ, तू आ जाओ। यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम् पुरुषम् तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो ब्रह्मावरुणिन्द्ररुद्रमरुतः स्नुवन्ति दिव्ये स्तवहि वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा
पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ॐ जय भगवत गीते जय जय भगवत गीते हरिय कमल विहारिणि हरिय कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा तत्वज्ञान विकाशिनी तत्वज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा ओम जय भगवद गीते निश्चल भक्ति विदायिनी निर्मल मलहारी निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी ओम जय भगवद गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी नाशिनी तम रजनी देवी सद्गुणदायिनी देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी हरिमुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे ओम जय भगवद गीते ओम जय भगवद गीते जय जय भगवद गीते हरिय कमल विहारिणि हरिय कमल विहारिणि सुंदर सुपुनी भगवद गीते जय जय भगवद गीते ओम जय भगवद गीते जय जय भगवद गीते जय जय भगवद गीते हरिय कमल विहारी हरिय कमल विहारी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद गीते जय जय भगवद गीते ओम जय जय भगवत गीते दोनों हाथ ऊपर कर लें आरती लेने का भाव आरती के साथ जो ज्ञान हमने सुना गीता का हमने आठ क्लास की टोटल उसमें चार ध्यान की और चार गीता की और उसके बाद फिर बाकी हमने रामचरितमानस की इन सब का ज्ञान हमारे जीवन में कुछ न कुछ परिणाम जरूर देगा ॐ स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् ये एक प्रयास हुआ है आओ करें प्रकृति से बात परोपकाराय फलन्ति वृक्षः हमारे तरु मित्र एवन परम श्रद्धे कुलाधिपति जी हमारा जीवन वृक्ष की तरह उदार सहिष्णु राय लिए वृक्ष ही हमारे वास्तविक स्मारक है इसको बाहर लगा दिया जाएगा आप लोग देख सकते हैं और आप लोग वृक्षारोपण में सब लोग सहायता करिए एक लेट अस टॉक विद नेचर तरु मित्र आओ बनाएं पर तरु मित्र विश्व पवित्र पृथ्वी दिवस पर दिशा क्लब के मनोविज्ञान विभाग के दिशा क्लब के विद्यार्थियों द्वारा ग्रीन थेरेपी के माध्यम से जो व्याधियों का निवारण किया जाता है उसके बारे में आया है इसमें और सृजन शिल्पी एक क्लब और है जिसमें सदस्य संख्या 15 है और महाकाल के प्रांगण में सोमवार को करते हैं विश्वविद्यालय में तरु मित्र बनाने हेतु पंजीकरण एवं वृक्षों के आवंटन का कार्य वृक्ष तुमको वहाँ से मिल जाएंगे ठीक है उस गुरुसत्ता को प्रणाम ॐ नमो स्तुवन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाच्च शिरोरुभावे सहस्रनाम्नि गुरु
भगवते सहस्रकोटि युगधारिणी नमः सहस्रकोटि युगधारिणी नमः। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।